आज विश्व गुर्दा दिवस 11 मार्च 2021 है, जो प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन किडनी से जुड़ी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक तथा सचेत किया जाता है, जिसमें प्रारंभिक जांच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष में एक बार लोगों को ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन तथा यूरिन प्रोटीन की जांच जरूर करानी चाहिए। इस अवसर पर मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी लखनऊ, आज सामान्य यूरिन जांच के बारे में ये वीडियो जानकारी देने जा रहा हूँ। यूरिन रूटीन टेस्ट के बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि शरीर में पेशाब कैसे बनता है तथा इसका एक्सक्रीशन या उत्सर्जन शरीर के लिए कितना आवश्यक है। यूरिन शरीर से निकलने वाला लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसमें 92 से 94% वाटर होता है तथा 6 से 8% तक केमिकल वेस्ट तथा सेलुलर वेस्ट होता है। केमिकल वेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, कीटोन, कैल्शियम तथा फास्फोरस आदि वेस्ट होते हैं तथा बीमारी की अवस्था में शरीर के लिए उपयोगी प्रोटीन एवं शुगर यूरिन से निकलने लगते हैं। इसी प्रकार सेलुलर वेस्ट में पसेस, कास्ट आदि डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं, जो कि किडनी डिजीज की तरफ इशारा करते हैं। यूरिन का निर्माण एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में किडनी द्वारा किया जाता है, जिसके थ्रू बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता रहता है तथा यूजफुल चीज़ें किडनी द्वारा रीअब्जॉर्ब कर वापस सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति यदि 4 से 5 लीटर पानी पी रहा है तो उससे 1.5 से 2.5 लीटर तक यूरिन बनता है। यूरिन बनने की मात्रा फ्लूड इंटेक पर निर्भर करती है। किडनी डिजीज में यह बैलेंस बिगड़ जाता है। बीमारी की अवस्था में यूरिन कम या अधिक बनने लगता है, जिसे ऑलिगो यूरिया तथा पॉलीयूरिया की श्रेणी में रखते हैं। अब जानते हैं कि यूरिन टेस्ट कब कराना चाहिए। यह जांच सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए कराए जाने वाले वेलनेस हेल्थ चेकअप का इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अतिरिक्त यह टेस्ट किडनी डिजीज तथा डायबिटीज के फॉलोअप टेस्ट के रूप में भी कराया जाता है, साथ ही जॉन्डिस या पीलिया के जांच के लिए, पेशाब के रास्ते में संक्रमण यानी यूटीआई एवं किडनी यूरेटर में स्टोन की डायग्नोसिस के लिए एक प्रारंभिक जांच के रूप में यूरिन टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। यूटीआई की डायग्नोसिस के लिए यूरिन कल्चर कराना आवश्यक होता है। अब जानते हैं यूरिन का नमूना कैसे देना है। सामान्य यूरिन टेस्ट के लिए लैब से स्टेराइल यूरिन कंटेनर लेकर लगभग 20 ml यूरिन देते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल जांच के लिए उत्तम होता है। विशेष परिस्थितियों में जांच के लिए नमूना कभी भी दे सकते हैं। यूरिन कल्चर जांच के लिए फर्स्ट मॉर्निंग मिड स्ट्रीम स्टेराइल यूरिन कंटेनर में देना चाहिए। फर्स्ट मॉर्निंग मिड स्ट्रीम का मतलब होता है सुबह का पहला पेशाब थोड़ा बाहर कर बीच का यूरिन कंटेनर में लेते हैं तथा सैंपल को 2 घंटे के अंदर लैब में पहुंचा देना होता है। सामान्य यूरिन जांच की रिपोर्ट लैब से सेम डे मिल जाती है। कल्चर की रिपोर्ट तीसरे दिन यानी 48 से 72 आवर्स के बाद मिलती है। अब जानते हैं यूरिन टेस्ट में क्या क्या जांच करते हैं। सामान्य यूरिन टेस्ट में 3 प्रकार की जांच होती है। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें यूरिन के कलर तथा अपीरेंस को देखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन का रंग हल्का पीला यानी स्ट्रॉ कलर का होता है।
यूरिन के रंग के आधार पर कई मेडिकल संभावना हो सकती हैं। यदि यूरिन का रंग लाल है तो यह हिमेचूरिया यानी कि पेशाब में ब्लड के कारण हो सकता है, जिसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से कन्फर्म करते हैं। यदि यूरिन का रंग पीला यानी सरसों के तेल की तरह है तो यह जॉन्डिस यानी पीलिया के कारण हो सकता है, जिसे यूरिन में बाइल पिगमेंट टेस्ट कर कन्फर्म करते हैं। यदि यूरिन का रंग दूध के जैसा है, सफ़ेद है, तो यह यूरिन में काइल के कारण हो सकता है। इसे मेडिकल कंडीशन को काइलूरिया कहते हैं। यदि यूरिन का रंग हल्का सफ़ेद तथा टर्बिड है तो यह यूरिन में पस सेस के कारण हो सकता है, जिसे पायूरिया कहते हैं, जिसका कन्फर्मेशन माइक्रोस्कोपी विधि से करते हैं। अब जानते हैं यूरिन के दूसरे प्रकार की जांच विधि यानी कि केमिकल एग्जामिनेशन पर। इसमें यूरिन में प्रोटीन, शुगर, कीटोन, काइल तथा बाइल पिगमेंट आदि का टेस्ट करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में सामान्यतः यह केमिकल एब्सेंट होते हैं, लेकिन डायबिटीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ तथा कैंसर आदि में ये केमिकल मिल सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जांच यूरिन प्रोटीन है, जो कि किडनी डिजीज़ तथा यूटीआई की तरफ इशारा करते हैं। इसी प्रकार यूरिन शुगर तथा कीटोन का यूरिन में पाया जाना अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की तरफ संकेत करते हैं। इसी प्रकार यूरिन में बाइल पिगमेंट का पाया जाना जॉन्डिस की तरफ इशारा करता है। उसके बाद लीवर डिजीज़ के लिए डिटेल्ड वर्कअप करते हैं। अब जानते हैं यूरिन में तीसरे विधि जांच के बारे में, यानी कि यूरिन माइक्रोस्कोपिक के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जांच है, जिसमें पैथोलॉजिस्ट यूरिन डिपॉजिट में माइक्रोस्कोप द्वारा रेड ब्लड सेल्स, पल्स सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल्स तथा अन्य सेल्स को देखते हैं। अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार यूरिन के साधारण जांच से किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर तथा कैंसर से जुड़ी बहुत सी बीमारियों के निदान में मदद मिलती है। ये थी यूरिन टेस्ट के विषय में सामान्य मेडिकल जानकारी। आशा है ये जानकारी आपके वेलनेस में मदद करेगी। धन्यवाद।